हाल ही में देश की पहली CNG टॉय ट्रेन किस शहर में शुरू हुई है? सही जवाब है उदयपुर। कौन सी राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में कक्षा 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले लड़कों और लड़कियों को ई स्कूटर्स प्रदान करेगी? सही जवाब है मध्य प्रदेश। कौन सी सरकार जल्द ही लंबित पानी के बिलों के लिए एकमुश्त समाधान योजना पेश करेगी? सही जवाब है दिल्ली। युगांडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है उपेंद्र सिंह रावत। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब है अश्विंदर सिंह। किस राज्य सरकार ने राज्य में जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को दी गई सामान्य सहमति को वापस लेने का फैसला किया है? सही जवाब है तमिलनाडु। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत राज्य सरकारों को चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दी है? सही जवाब है ओपन मार्केट सेल स्कीम। किस दक्षिण एशिया देश में विश्व बैंक ने अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? सही जवाब है बांग्लादेश। किस राज्य में पुलिस के लिए तरुणपोल ऐप नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। वैज्ञानिकों ने किस राज्य में ग्लाइडिंग छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है? सही जवाब है मिजोरम। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा हीट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है गुवाहाटी। PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने कंपनी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही जवाब है महेंद्र लोढ़ा। केंद्र ने हाल ही में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? सही जवाब है प्रधानमंत्री संग्रहालय और समाज। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किस राज्य को 3 पुरस्कार मिले हैं? सही जवाब है तेलंगाना। इजराइल के खिलाफ पक्षपात के आरोपों के कारण छोड़ने के 4 साल बाद जुलाई में कौन सा देश यूनेस्को में फिर से शामिल होगा? सही जवाब है अमेरिका।